जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बार फिर से सुपर ओवर जीतने के बाद बोले विराट कोहली, इसे बताया जीत का असली हीरो, नाम जानकर आप भी हो जाओगे दंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार चौथा T20 मुकाबला जीतने के बाद विराट कोहली ने कौन सा वो बड़ा बयान दिया है और किसको सुपर हीरो बताया है आज की जीत का। तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो वही दोस्तों, अगर आप भी चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की जीत से खुश तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे T20 मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हरा दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 165 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 166 रनों का लक्ष्य दिया। तो वहीं भारतीय टीम की ओर से मनीष पांडे ने नवाद 50 रन बनाए, जबकि मनीष पांडे के अलावा लोकेश राहुल ने 39 रनों की बेहतरीन पारी खेली और इसी के साथ शार्दुल ठाकुर ने भी आज के इस मुकाबले में 20 रन बनाए। तो वहीं 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर सिर्फ 165 रन ही बना पाई, जिसकी वजह से ये मैच टाई हो गया और फिर सुपर ओवर खेला गया। वहीं सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोकर 13 रन बनाए और भारतीय टीम को 14 रनों का लक्ष्य दिया। तो जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को 1 विकेट खोकर 5वीं गेंद पर हासिल कर लिया और इस मैच को सुपर ओवर में जीत लिया। तो वहीं चौथे T20 मैच में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हराने के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बड़ा बयान दिया है। दरअसल न्यूजीलैंड को हराने के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा कि यहां कुछ नया है जो मैंने सीखा है कि आप खेल में शांत कैसे रहते हैं, निरीक्षण करें और देखें कि आखिरकार क्या हो रहा है और यदि अवसर आता है तो आप इसे भुनाने का प्रयास करें। प्रशंसकों ने लगातार 2 मैचों में बेहतर फिनिश के लिए नहीं कहा, हमने पहले सुपर ओवर नहीं खेला था और अब हमने बैक टू बैक सुपर ओवर खेले हैं। वहीं उन्होंने आगे बात करते हुए चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो के बारे में कहा कि शुरुआत में संजू सैमसन और केएल राहुल को जाना था, लेकिन मैं इसलिए आया क्योंकि मैं संजू सैमसन से ज्यादा अनुभवी हूं और मैं बहुत ही लंबे समय के लिए सुपर ओवर का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन अपनी टीम के लिए मैं आज खुश हूं। आज शार्दुल ठाकुर ने अंतिम ओवर में जिस तरीके से गेंदबाजी की वो बेहद ही शानदार थी। वहीं कोहली ने आगे बात करते हुए कहा कि आज के इस मुकाबले में हमने पिच को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, पहले 6 ओवरों के बाद मैच काफी दूर चला गया था, सभी लोग अच्छे हेड स्पेस में दिखे, मुझे आज इस बात पर गर्व है कि आज के इस मुकाबले को हारते हारते हमने आज भी खतरनाक गेंदबाजी के बलबूते पर इस मुकाबले को जीत लिया। तो इसमें दोस्तों, आज के इस मुकाबले में विराट कोहली ने पूरा पूरा श्रेय शार्दुल ठाकुर को दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या आज का जो मैच जितवाया उसके हीरो या फिर असल हकदार शार्दुल ठाकुर ही थे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।